नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम बर्ड का डीएनए कैसे करा सकते हैं। हाँ गाइस, काफ़ी हमारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बर्ड का डीएनए कैसे कराएं और उसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत का सामान चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जब हम बर्ड का डीएनए कराने जाते हैं तो हमको सबसे पहले बर्ड की रिंग चाहिए होती है जो बर्ड के पैरों में पड़ती है। तो ये हमारे पास कट रिंग है इस समय, ठीक है ना गाइस, क्योंकि हमको डीएनए कराना है लव बर्ड का, ठीक है। तो फिर रिंग को होने के बाद में रिंग, फिर हमको अगला काम जो करना है वो ये करना है कि बर्ड के पैर में हमको रिंग पहनानी है इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप रिंग पहनाने में एक्सपर्ट हो तभी आप रिंग पहनाएं और बर्ड की रिंग को जो है प्लास से आसानी से दबाएं। ऐसा ना हो कि आप लोग को बर्ड का पैर ही दबा दें और बर्ड का पैर बेकार हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो प्लास को आप लोग देख सकते हो, तो अभी जो है भाई प्लास से अंदर, पहले अंदर उस रिंग को अच्छे से सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बर्ड को अच्छे से रिंग प्लास से दबाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारक भाई के बर्ड दिखाना चाहूँगा। ये सारे बर्ड का गाइस डीएनए होना है, तो मुबारक भाई के पास जो है वो 10 पीस है जिनका डीएनए होना है, यानी कि 5 पेयर, ठीक है। तो हमको रिंग, देखो आप पैर देख सकते हो, मैं इस तरीके से रिंग दबानी है प्लास से ताकि बर्ड के पैर में ना लगे। और मैं आप लोगों को रिंग भी दिखाना चाहूँगा कि रिंग किस तरीके से पहनी है बर्ड ने। आप देख सकते हो रिंग काफ़ी अच्छे से पहन ली है और बर्ड को हमने केजिस के अंदर डाल दिया। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे बर्ड पकड़ेंगे और सारे बर्ड के पैरों में धीरे धीरे रिंग डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमने बर्ड के पैर के अंदर रिंग डाल दी है। तो गाइस, अब बर्ड का डीएनए के लिए आगे का प्रोसेस क्या होता है, अगर आप लोगों को रिंग वगैरह नहीं मिलती तो आप लोग जो है अमेजोन वगैरह से रिंग परचेज कर सकते हो और वहाँ पर आपको ईजिली रिंग अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है ना गाइस। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रिंग वगैरह आप लोगों को बना बैक साइड का लिंक वगैरह दूँ तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बर्ड का डीएनए ही करना बता रहा हूँ कि हमें बर्ड का डीएनए कैसे कराना है। तो अभी गाइस सारे बर्ड को पकड़ लेते हैं, सारे बर्ड के पैरों में हम रिंग पहना देते हैं। तो गाइस, तो आप देख सकते हो हमने सारे बर्ड के पैरों में रिंग पहना दी है, सभी बर्डों ने रिंग पहन लिया अच्छे से। तो अब हमको जो काम करना है वो ये करना है कि इनके लिए एक पर्ची बनानी पड़ेगी। वो पर्ची हमें किस तरीके की बनानी पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस तरीके से और पर्ची पर हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो ये सारी बातें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारक भाई के बर्ड दिखा दूँ। तो मुबारक भाई के 10 पीस है इस केजिस के अंदर, तो आइए अब मैं आप लोगों को लेकर भी चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पर्ची पर हमको ऑनर नेम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अपने बर्ड का नेम लिखना है, यानी कि आपका बर्ड कौन सी नस्ल का है, मार्क्स वैरायटी का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको बर्ड का नाम लिखना है। फिर उसके बाद में हमको अगला काम जो करना है, पहले गाइस मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर हमको बर्ड लिख देना है, बर्ड कौन सा है, चिक मार्क्स है, ब्लू मार्क्स है, कोवाल्ड है, जो भी आपका बर्ड है वो यहाँ पर आपको इसी तरीके से एंटर कर देना है जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमको जो लास्ट में लिखना है वो लिखना है रिंग आईडी करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद में रिंग का नंबर चेक करना है कि आपकी रिंग पर क्या नंबर पड़ रहा है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर जो है एंटर कर देना है, ठीक है ना गाइस। बस इतना सा ही प्रोसेस है, फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पर्ची दिखा दूंगा कि पर्ची जो मैंने मतलब बनवाई है, तो पर्ची का सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्ची ही दिखाता हूँ। तो गाइस आप पर्ची देख सकते हो अच्छे से, अगर आप पर नहीं आता तो पर्ची का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से भर सकते हो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हम बर्ड की रिंग का आईडी मतलब रिंग का जो नंबर है वो चेक करने जा रहे हैं रिंग पर क्या नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मुबारक भाई जो है पर्ची निकाल रहे हैं कि बर्ड के नाम के हिसाब से, बर्ड के हिसाब से हम पर्ची निकालेंगे। तो गाइस अभी हम जो है हमारे हाथ में येलो फिशर है, तो इसकी हम पर्ची निकाल ली है मुबारक भाई ने। अब इसका हम नाम नंबर चेक कर रहे हैं कि इस रिंग पर क्या नंबर है, तो आप लोगों को मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस हमको रिंग का नंबर चेक करने के बाद में फिर हमको बर्ड के फैदर लेने हैं। आप लोग देख सकते हो इजीली जिस तरीके से हम फैदर निकाल रहे हैं, आपको इसी तरीके से फैदर निकालने हैं। फिर उसके बाद में आप पॉलीथीन देख सकते हो, लॉग वाली ये पॉलीथीन है, आपको इसी तरीके की पॉलीथीन लेनी है। उसके बाद में
तकरीबन 5 से 7 फेदर हमको इस पॉलीथिन के अंदर बढ़ के इसी तरीके से चेस्ट पे से हमको फेदर निकालने हैं। फेदर निकाल करके फिर उसके बाद में हमको पॉलीथिन के अंदर अच्छे से डाल देना है, ठीक है ना गाइस। बस इतना ही प्रोसेस है। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। हमने फिर से एक और बर्ड पकड़ा उसी का, ठीक है। इसके भी हमको फेदर निकालने हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने उस बर्ड के निकाले थे। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसकी भी हम रिंग आईडी चेक कर रहे हैं। रिंग आईडी चेक करने के बाद में इसकी भी हम रिंग आईडी लिख देंगे। फिर तो उसके बाद में इसका भी सेम प्रोसेस है, फेदर निकालना है उसी तरीके से, ठीक है ना गाइस। तो मैंने आप लोगों को फेदर निकालना तो बता दिया कि बर्ड के फेदर किस तरीके से निकालने हैं, चेस्ट पर से फेदर निकालने हैं। और गाइस काफ़ी लोग बोलते हैं बर्ड का ब्लड आना चाहिए, ब्लड वगैरह नहीं आना चाहिए। और गाइस आप पैकेट देख सकते हो, इस तरीके का आपको पैकेट बना लेना है। और गाइस सारे पैकेट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, 10 पैकेट हैं। और गाइस इस पॉलीथीन के अंदर जो है हल्की सी भी थोड़ी बहुत हवा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलीथीन के अंदर हवा वगैरह होगी तो आपका डीएनए बढ़कर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमको पॉलीथीन को अच्छे से हाथ से पुश करके उसके बाद में हमको पॉलीथीन का लॉक लगाना है। तो गाइस तो लॉक लगाने के बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बर्ड के फेदर जो हमको उखाड़ने हैं। ऐसा ना करें आप लोग के बर्ड के फेदर कैंची से कट करके उसके बाद में आप डीएनए के लिए भेज दें। तो गाइस ऐसा नहीं होता, बर्ड के जो फेदर हमको जड़ में से निकालने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया बर्ड के चेस्ट पे से फेदर मैंने किस तरीके से कलेक्ट किए थे, इसी तरीके से आपको फेदर निकालने हैं। ऐसा ना हो आप लोग इसके बाजू के पर निकाल लें, ऐसा आप लोग ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पे से फेदर निकालने हैं जिस तरीके से मैंने अभी निकाले थे। तो उम्मीद करूंगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।